नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार छठे माह भाद्रपद की शुरुआत शुरू हो चुकी है, जो कि 12 अगस्त से है। इस माह में अनेक व्रत और त्यौहार आएंगे, जिसमें एकादशी अजा एकादशी का काफ़ी महत्व है। तो अजा एकादशी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार 22 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:35 से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 23 अगस्त मंगलवार को 6:06 तक एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। व्रत की में उदया तिथि की गणना की मान्यता के अनुसार अजय एकादशी व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। जो लोग 23 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे। इसलिए 5:55 से प्रातः 8:30 है और इस अवधि के बीच में पारण करना सबसे उत्तम होगा। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि सुबह 8:30 तक ही रहेगी। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अशुभ फलदायी होता है। इसीलिए खास तौर पे एकादशी का पारण त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए। और अजा एकादशी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है इस एकादशी को, क्योंकि इसमें अश्वमेघ यज्ञ कराने के समान ही पुण्य लाभ मिलता है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो लोग अजय एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान ऋषिकेश की विधि विधान से पूजा करते हैं, पूजा के दौरान अजय एकादशी व्रत का कथा का पठन या श्रवण करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि अजय एकादशी भाद्रपद माह की एकादशी का। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।